माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी बैठे हैं यहाँ पे। माननीय तुलसी जी भैया बताएं जरा कौन से किस कार्यक्रम में बैठे हैं आप? इस भविष्य काल के लिए आपने महाकौल की नगरी में जो संकल्प लिया है आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की जो पराली होती है हमारे खेतों में उससे जैविक खाद और बायोगैस बनेगी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं पूरी सावेर विधानसभा की ओर से, डकाचा की ओर से ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भैया। इंदौर जिले के सावेर में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यक्रम था, आगे किस पर चल रहे हैं? अब रायसेन कार्यस्थल से जुड़ते हैं, वहां पर हमारे साथ वेल्सपन रायसेन जी। मेरे को तो देवास। हेलो, माने सांसद जी दिख रहे हैं? नमस्कार साहब, ये तो देवास वाले दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अच्छा, प्रभुराम जी राजस्थान। ठीक ठीक, पूर्व चिकित्सा मंत्री राम जी, हमारे डॉक्टर प्रभुराम जी बात कर रहे हैं। मान जोरदार ताली बजाए, रायसेन से मंत्री जुड़े हैं जी। बहुत धन्यवाद। कौन सी इंडस्ट्री है जरा बताए मुख्यमंत्री जी? ये माइक थोड़ा दूर कर लो, थोड़ा सा दूर करो, साफ समझ में आएगी। हाँ जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमनिया में 400 करोड़ की इंडस्ट्री जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक वेल्सपन वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर आज भूमि पूजन आपके कर कमलों से हो रहा है। वेल्सपन के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्ष से ज्यादा हो गया है यहाँ पर 700 करोड़ की एक पाइप की और इंडस्ट्री लगाई गई थी जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सांची विधानसभा क्षेत्र में ये इंडस्ट्री आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है। 320 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक कंपनी ये बनाएंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और रायसेन से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने विस्तार से बात रख। मैडम अब आगे बढ़ाएं। बहुत अब देवास से महापति एसीसी ग्रुप देवास से मंच पर भी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सरसोदा में तहसील सोनकच्छ में जो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है वहां पर एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप के द्वारा टीएसीसी कंपनी की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। यहां पर बैटरी ग्रेफाइट एनोड का निर्माण होगा जिसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग किया जाता है। 1850 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया गया है। आपके मार्गदर्शन में जब यहां पर यह इंडस्ट्री रन करेगी तो 400 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलाकर लगभग 1500 लोगों को यहां पर रोजगार प्राप्त होगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सांसद देवास साजापुर को बधाई। यह पूर्व न्यायाधीश थे, सर्विस छोड़ के सांसद बने और अब ये इंडस्ट्री के उद्घाटन में हमारे सबके साथ आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीमच वहां पर गोल्डक्रेस्ट सीमेंट वहां से जुड़ते हैं दिलीप परिहार जी, माननीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री। नमस्कार। माइक थोड़ा सा दूर रख लो ओम जी थोड़ा सा माइक। मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट काम शुरू करने वाला 5 महीने में थर्ड प्रोसेस से जमीन अलॉटमेंट तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और अगले 2.5 साल में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करने का कमिटमेंट के साथ गोल्ड क्रस्ट
सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने काम शुरू करा है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि शायद आपके मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला लैंड अलॉटमेंट का इतना बड़ा पीस आपने किया और आज ये भूमि पूजन के साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। चावद और नीमच दोनों विधानसभा को बीच में मिलाते हुए ये प्रोजेक्ट है और इसी के साथ हमारा फर्नीचर क्लस्टर का काम भी मेरा ख्याल है अगले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माने दिलीप जी विधायक नीमच, आपको भी धन्यवाद। अब हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 से ही बात कर पाएंगे जी। लेकिन मेरी अपने ओर से बधाई, एक बार जोरदार ताली बजा करके आपके सारे अच्छे यूनिट को बधाई। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा भाई साहब, धन्यवाद। आपको दुआ मिलेगी, बहुत अच्छा। बेरोजगारों को रोजगार देने पे धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद। आखिर में जुड़ते हैं रीवा उद्योग विहार। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आपको भी बधाई। बताएं जनार्दन जी, सांसद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। वो तो माइक की दिक्कत है, खड़ा होने बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही यदि हम। कोई बात नहीं, हमारी आपको बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाएं रीवा यूनिट के लिए। आगे बढ़ाएं अपनी मोदी की गारंटी, आगे विकास के कारों को आगे ले जाएं। जोरदार ताली बजाएं माननीय मोदी जी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेक यहाँ पर सौगात सभी को दी गई है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया। हाँ जी सर। और ऐसे काफी लोग जुड़े होंगे। हाँ जी। लेकिन अब हमारा दूसरा सेशन चालू होने वाला है, एक बार जितने लोग जुड़े सबके लिए तालियां बजा दो। ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत सारे लोग अलग अलग पूरे प्रदेश से, हर जगह से, अपने अपने क्षेत्र के नए उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के सारे भाई बहनों को, सारे उद्योगपतियों को, सारे श्रमिक बंधुओं को और हमारे अपने विधायक सांसद मंत्रीगण इस पूरे आयोजन में जुड़े हैं, मेरे अपनी ओर से सबको बधाई। अभी मैं केवल यहां खत्म कर रहा हूं, मेरा मूल भाषण बाकी है, तो आप लोग भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 क्षेत्रों से यहां पर जो लोग जुड़े हैं वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और देवी सजनो, आप जानते होंगे कि ODOB वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ODOB की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। प्रशासन द्वारा ODOB बिजनेस डायरेक्टरी तैयार की गई है जिसमें हर राज्य और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले निर्यात के बारे में जानकारी दी गई है और मध्य प्रदेश के विक्रेताओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जो उन उत्पादों को बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप मध्य प्रदेश की ODOB बिजनेस डायरेक्टरी का विमोचन करें। May I request everyone also on the stage to please join. देवी सजनो, ODOP योजना के तहत हर जिले से कुछ खास उत्पादों की पहचान कर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाया गया है, जैसे कि उज्जैन से बाटिक प्रिंट, इंदौर से आलू, शाजापुर से प्याज आदि। ODOP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विशेष उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनका बाजार में प्रसार बढ़े। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री चैतन्य काश्यप जी को, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए।
धर्म नगरी आध्यात्म की आधारशिला रखने वाला है। उज्जैनी में आज यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो समावेश और जिस तरीके से यह आयोजन आज यहां किया जा रहा है, इसके दृष्टा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन